शौहर अगर उसका गैर महरम हो गया, ये बोलने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है। लेकिन कॉमनली ये होता है कि उसको बोला जाता है कि अपने शौहर को देख नहीं सकती और छू नहीं सकती, ये कहा जाता है। पूरे मिस कॉलोनी की खवातीन आकर देख रही है और उसी को नहीं देख, हाँ उसको नहीं जी, मतलब पूरे कॉलोनी की दूसरी औरतें देख सकती है। हालांकि मैं समझता हूँ उसमें क्या चांस है, मैयत के लिए कोई चांस भी नहीं। जिंदा इंसान तो नेक्स्ट मैरिज का प्लान भी कर सकता है कि ऐसी खातून आए, लेकिन मैयत क्या चांस है, सब देख रहे हैं लेकिन इसने नहीं देखना क्योंकि इसके लिए वो रिश्ता टूट गया। अब एक मर्तबा एक साहब ने देख लिया तो, और वो काफी जाने माने शख्सियत थे, तो मैंने एक बार पूछ लिया कि समाज में तो लोग नहीं देख रहे थे, आपने कैसा देखा? तो बोले उन्होंने बहन की नियत से देखे। बोले ये मामला सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, ये मर्द हजरात के लिए भी है। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी, जबकि हम जानते हैं जन्नत में भी उसकी बीवी होंगी, दुनिया में अगर वो ईमान वाला रहा वो भी जन्नत में गए, आप बहन की नजर से कैसे देख सकते हैं? लेकिन ये दोनों के लिए है लागू। अब वो जब बेवा के लिए बोलते शौहर को नहीं, तो शौहर को बोलते बीवी को नहीं देखेंगे, लेकिन ये गलत है। आइए मैं इस ताल्लुक से वजाहत कर देता हूँ। बड़ी मशहूर और मारूफ इब्ने माजा की और दीगर सुनन में रिवायत आती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा जिन्हा एक मर्तबा बैठी थी और उनका सर दिख रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, क्या आयशा क्या बात है? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सर दुख रहा है, ठीक है, और मेरा सर दुख रहा है। और ये मैं आयशा ने कहने लगी कि हाय मेरा सर दुख रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा क्या नुकसान होगा आयशा अगर तुम मेरी जिंदगी में मर जाओ, तो तुम्हारा तो फायदा ही है। कैसे फायदा है सुनो, तुम्हारा क्या नुकसान होगा आयशा अगर तुम मेरी जिंदगी में जो है तुम मुझसे पहले दुनिया से अगर चली जाओ तो, गुजर जाओ तो, मरोगी तो तुम्हारे सारे काम तो मैं अंजाम दूंगा, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा उल्टा फायदा है। और हम जानते हैं नबी का किसी के लिए दुआ करना, उसके जनाजे की नमाज पढ़ना वसीला बन जाता है अल्लाह के पास। तो क्या तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है अगर मेरी जिंदगी में तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारे सारे काम अंजाम दूंगा। क्या क्या सुनी हदीस में अल्फाज, अंजाम दूंगा, तुम्हें गुस्ल दिलाऊंगा, हम कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तकफीन करूंगा, मैं तुमको कफन भी पहनाऊंगा, फिर फरमाया तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, फिर फरमाया और तुम्हें दफन करूंगा। तो तुम्हारा तो फायदा हुआ एक नबी के आस्ते, तो तुम्हारा क्या नुकसान, समझ रहे हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यहां देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ कहा अपनी बीवी के लिए। अब कोई कह सकता नहीं नहीं स्पेशल केस, नबी है, नबी होने के नाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर सकते होंगे। तो आइए मैं आपको सहाबा के कुछ वाक्यात सुना देता हूँ ताकि मामला क्लियर हो जाए, ठीक है। वाक्यात इस तरह से, पहला वाक्या है अबू मूसा रजी अल्लाह का इंतकाल हुआ तो इनकी बीवी उम्मे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा ने इनको गुस्ल दिया और ये बात सहाबा को पता चली और किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, उम्मे अब्दुल्लाह ने, सहाबा को पता चली, किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी रिवायत, ठीक है, दूसरी रिवायत के अल्फाज देखिए ये है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का इंतकाल हुआ, अबू बकर सिद्दीक रजी का इंतकाल हुआ तो इन्होंने वसीयत की कि अस्मा बिनते उमैस उनकी बीवी वो मुझे गुस्ल देंगे। उनकी वसीयत पूरी की गई और उनकी इस बीवी ने आपको गुस्ल दिया, तमाम सहाबा ने इस चीज को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। आइए इससे बढ़कर एक और वाकया देख लेते हैं बीवी के ताल्लुक से। ये तो हुआ बीवी ने गुस्ल देना शौहर को, अबू मूसा अशअरी को गुस्ल दिया उनकी अहलिया ने, अबू बकर सिद्दीक रजी को उनकी अहलिया ने गुस्ल दिया। अब खातून का भी देख लेते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, हम अमल भी देख लेते हैं। तो अली रजी अल्लाह की जिंदगी में फातिमा रजी अल्लाह का इंतकाल हुआ, अली रजी अल्लाह ने आपको गुस्ल दिया, कफनाया, जनाजे की नमाज, औरतों की मिसाल दे दी मर्दों की। अब मुझे बताओ ये सहाबा में से क्या कोई एक भी ऐसा है जो गैर शरई काम करें? और अबू बकर सिद्दीक रजी के इंतकाल के बाद ये जो सहाबा का एक मजमा खड़ा था जो अगले खलीफा का इंतखाब कर रहा था और इनके गुस्ल दिया रहा, कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं खाऊ गड़ जाओ खाऊ गड़ जाओ अबू बकर ने कहा, नहीं सहाबा वो लोग नहीं थे जो किसी को बर्दाश्त करें। हमारे पास ये पता नहीं चलन कहाँ से आ गया और लोग एक फिक्र के नाम पर इसको बयान करते हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद है, सारी बातें बेबुनियाद। और हमें जब कुरान और सुन्नत की वाज़ह दलील आ गई तो उसके बाद फिर क्या चीज़ है, इमाम जो हमारे हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एक वुखार है, उनका एक मुकाम है, उनकी अजमत है, उनकी अपनी फजीलत है, लेकिन तमाम के तमाम बशर हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। और अम्बिया वो भी बशर है लेकिन वो मासूम अनिल खता है, गलतियाँ नहीं करते। जाहिर सी बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान कर दिया कि आयशा मैं तुमको मिला था
علی رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے بتا دیا, ابو بکر صدیق کی اہلیہ عمل کر کے بتا رہی ہے, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی عمل کر کے بتا رہی ہے, اور صحابہ پورے کے پورے خاموش ہے جو ایک بڑی تعداد موجود ہے. تو یہ دلیل ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, یہ عام بات تھی صحابہ صحابیت نے کیا ہے. اور اس سے بڑی وفا کیا ہوں گی کہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری, ایک مرد کے ساتھ عورت نے زندگی گزاری اور وہ اس کو نہلاتی بھی اور جو ہے وہ بھی کرتی ہے, اور علماء کے فتاوے اس پہ موجود ہے, انہوں نے کہا غسل دینے والا آدمی موجود ہو بھی تو بیوی غسل دے سکتی ہے, مطلب آدمی موجود ہو بولا میں دیتا ہوں تو بیوی کہہ سکتی ہے نہیں تم نہیں, میں دے کر سکتی. کوئی اس میں شرعی مسئلہ نہیں ہے سوائے سماجی مسئلہ ہے, اب اس کو کیسے دور کریں گے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شرعی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا جا سکتا. یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اس کے لیے کوئی غیر محرم نہیں ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ بھی سکتی ہے, اس کو چھو بھی سکتی ہے. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.